बहिष्कार का ऐलान, नाली सड़क को लेकर के किया चुनाव का बहिष्कार। जर्जर सड़कों और बिजली खंभे से परेशान है निवासी, पार्षद विधायक सांसद से लगा चुके हैं गुहार और अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर ये फैसला रहवासियों ने यहां पर लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का ये इलाका है और कितनी बार यहाँ पर ये लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पार्षद विधायक और सांसदों से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग हर मतदाता से वोट करने की अपील कर रहा है, मगर राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा के सत्यम विहार कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। देख सकते हैं ये सत्यम विहार कॉलोनी है जहां पर चुनाव बहिष्कार का जो पोस्टर है वो यहां पर टंगा हुआ है। और आखिर क्यों लोग यहां पर चुनाव बहिष्कार करना चाहते हैं, क्या यहां की समस्याएं हैं, हम यहां पर लोगों से ही बात करेंगे। ये लोकसभा चुनाव है, कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वोट डालने के लिए, मगर आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि हमको सुविधाएं कुछ नहीं है यहां से, ठीक है ना, तो रोड है, बारिश में एक एक मीटर पानी भर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, नाली नहीं पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, ये सारी सुविधाएं बाकी जगहों में है, हमारे पास नहीं है। अगर हम पार्षद के पास जाते हैं तो ये बोलता, पार्षद बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है, दूसरे पार्षद के पास जाते हैं तो दूसरा पार्षद बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है। इन दोनों पार्षद के चक्कर में हम जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ये पिसा रहे हैं। अपनी आबादी यहाँ पर सत्यम विहार कॉलोनी के कितने वोटर्स यहाँ पर हैं और वोट नहीं डालने पे अब आप लोग क्या आगे आने वाले दिनों में किस तरह का और आंदोलन करेंगे? कम से कम 1000-2000 तो हैं यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम लोगों के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं पार्षद के पास तो उनका कहना सिर्फ एक ही रहता है कि ये कौन से वार्ड में आता है। ये यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये चंगोरा में आता है, फिर बोलते हैं रायपुरा में आओ, हमें एग्जिट पार्षद का दर्शन सिर्फ और सिर्फ हमें वोट जो वोटर वाली रहती है उसमें पता चलता है कि रियली फैक्ट है कि रायपुरा में आता है। अच्छा ये बताओ, अभी चुनाव है तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आप लोग के पास तो आए होंगे? तक नहीं आए, कोई आए नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं आया ना, हम लोग तो उसको 5 साल में देख चेहरा भी नहीं देखते। और ऐसा यहाँ पर 2.5 फीट पानी रहता है, लोग आते आ जा नहीं सकते, उन लोग इतना परेशानी है, कई महिलाएं स्कूटी में गिरते रहते हैं मालूम, मैं खुद पानी पिलाया हूँ भाई उन लोगों को, और कहीं खत्म हो गया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप लोग की शासन प्रशासन कौन लेगा इसकी जवाबदारी? हम लोग बिल्कुल समझ गए कि चुनाव पूरा बहिष्कार है, कोई जाएगा नहीं यहाँ पर, काम नहीं तो काम नहीं तो। सत्यम विहार कॉलोनी के लोग हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर किसी तरह के काम नहीं हो रहे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं नाली सड़क की वो यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनेश न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल हुए हैं। भोपाल के शास्त्री नगर में उन्होंने बुजुर्गों से मुलाकात की, उन्हें आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दी और फॉर्म भरवाया। योजना के लाभार्थी से बातचीत की आईएनएस संवाददाता अंजलि सिंह ने। सरकार की आयुष्मान योजना का जो दायरा है वो अब 70+ कर दिया गया है, तो उसको लेकर ये बात जो है भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कही है। तो इसी अभियान को शुरू करने के लिए बुजुर्ग मतदाताओं के पास सीएम मोहन यादव आज सुबह पहुंचे, तो हमारे साथ इस वक्त वो बुजुर्ग मौजूद है जिनसे सीएम मोहन यादव ने जो फॉर्म भरवाया है उनको भी जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपील भी की है उन्होंने। मैम, आज आपके यहाँ सीएम मोहन यादव आए थे, क्या कुछ चीजें उन्होंने बताई और क्या अनुभव रहा? उन्होंने सब चीज बताई कि मतलब ये गरीबों के लिए मतलब पहले था, अब ये बुजुर्गों के लिए भी है, ये सुविधा दे रहे हैं, और ये हाँ, तो वो हमको तो बहुत अच्छा लगा। और आइए आपको शाजापुर ले चलते हैं जहाँ